So hello everyone, मैं दशवाच आज स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारी आज की YouTube वीडियो में। तो आज देखो हमारा IQ का पेपर जो है बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो उसके लिए थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स की बात कर लेते हैं कि हम क्या क्या टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि हम कवर कर रहे हैं एट दी एंड में, और अपने जो नंबर है उनको हम बूस्ट कर पाए। ठीक है, तो मैंने ज्यादा एनालाइज किया पेपर को, तो जो लॉग है, ठीक है, तो लॉग का जो क्वेश्चन है वो लगभग सारे पेपर में आता है। ठीक है, जो लॉग की प्रॉपर्टीज होता है, लॉग की प्रॉपर्टीज होता है, एक हमारे पास आर्गुमेंट होता है इसका और एक हमारा बेस होता है, इसकी प्रॉपर्टी में बड़े क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन आसान होते हैं। अगर इसके क्वेश्चन करने के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, मोटा मोटी अपने 12 के आसपास नंबर, मतलब 8 से 12 नंबर यहां से सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कहने को अगर मैं देखूं तो वास्ट टॉपिक है, मुश्किल टॉपिक होता है, पर जो हमारा पेपर है उसमें इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, उसमें आता है इजी क्वेश्चन, सिंपल सिंपल सा कि 10 बॉल है, 5 निकाल ली, 5 कर रही है, इधर कर दिया, उधर कर दिया, कंडीशन में बैठ के आ जाएगा, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। तो जो प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट है वो भी एक स्कोरिंग टॉपिक है हमारे पेपर के लिए। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट है वो हमारा स्कोरिंग टॉपिक। उसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। ठीक है, जो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट है उसके अंदर जो हमारा इक्वेशन वाला पार्ट है जिसमें हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं वो भी हमारा इजी टॉपिक है, उसको अगर अच्छे से कर लेते हैं तो वहां से क्वेश्चन अपना बनता ही बनता है मैट्रिक्स का। ठीक है, तो उस पर ज्यादा ध्यान देंगे मैट्रिक्स वाले पार्ट में से, और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज। ठीक है, और जो हमारे इस बुक के क्वेश्चन है, हमारी ये जीसीसी नीट के क्वेश्चन है, इसमें हमने चुन चुन के जो क्वेश्चन डाले, अगर जीसीसी स्टूडेंट हो तो उसको तो कर ही लेना। ठीक है, इसको कर लोगे और जो हमारी यूट्यूब की वीडियोज है वन शॉट वाली है और जो क्लास में कराई जा रही है वो सब भी कर लोगे यार, बहुत इनाम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो लिमिट का क्वेश्चन। ठीक है, हालांकि लिमिट के क्वेश्चन आसान होते हैं बट उनकी प्रोबेबिलिटी आने की थोड़ी कम होती है। ठीक है, बट कर लो तो वेरी गुड है, मतलब तो एक या दो क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ पार्शियल फ्रैक्शन की, अब इंटीग्रेशन का एक टॉपिक होता है इंटीग्रेशन का पार्शियल फ्रैक्शन, उसी के अंदर जो पार्शियल फ्रैक्शन है सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन 2020 के अंदर लगभग 2 क्वेश्चन सिर्फ उसी के आए। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट है, हमें इसको अलग करके लिखना है, ए और नीचे एक ब्रैकेट प्लस बी और नीचे एक ब्रैकेट। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है पेपर में हमारे आए हुए हैं, इससे भी हम स्कोरिंग अपना जो है स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसका जो फॉर्मूला है उससे करना, कभी कभार क्या होता है सिर्फ उसी के फॉर्मूले पे जो हमारे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करना। ठीक है जी, उसके बाद अगर मैं बात करूँ डिफरेंशिएशन के अंदर, तो जो डिफरेंशिएशन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, जहां पर हम क्या करते हैं, हमारा कुछ डेल यू बाय डेल एक्स वाला पार्ट होता है, अगर एक्स है तो हम एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं और वाई को कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है देखा गया है कि जो हमारा आईक्यू का पेपर है उसमें रिपीटली पूछता है। ठीक है, 2020 में भी एक क्वेश्चन था डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन का जो एक क्वेश्चन था उसमें सिर्फ ये पार्शियल डिफरेंशिएशन भी थी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्वाड्रेटिक से कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, क्वाड्रेटिक से अगर क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, एक इक्वेशन जिसके रूट्स हैं अल्फा बीटा है। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन बताओ उसके रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होंगे। ठीक है, इस तरीके की चीजें जो है वो क्वेश्चन में पूछा जाता है, इस तरीके का जो चीज है आसान है, इजी टॉपिक है और वो पूछ लेता है। बाकी एपी जीपी एसपी के अंदर जो मेजोरिटी क्वेश्चन आते हैं वो एपी से आते हैं, कुछ क्वेश्चन कभी कभी जीपी से आते हैं। एपी के क्वेश्चन करने जरूरी है, जैसे कि जो एसएन वाले फॉर्मूले होते हैं जिसमें हमको एसएन दे रखा है। ठीक है, और हमसे पूछा है A15। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एन को 1 पुट करते हैं, को 2 पुट करते हैं, वहां से A2-7 करके डी निकालते हैं, ए पता लग गया, डी पता लग गया। ठीक है, इसकी हेल्प से जो है हम अपना A15 निकालते हैं। तो इस तरीके के जो है क्वेश्चन आसान है, इजी टू कैच है। ठीक है, वो एन को 1 पे कर लेना। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर नाम से कॉम्प्लेक्स है वैसे आसान टॉपिक है। ठीक है, इसके अंदर जो मेजोरिटी क्वेश्चन आएंगे वो इस टाइप से आएंगे कि यहाँ पर मॉड जेड समथिंग करके कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ है, हमें इस मॉड जेड को और यहाँ पर भी कुछ दे रखा है। ठीक है, हमें पता है कि मॉड जेड जो होता है वो क्या होता है, अंडर रूट इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर, यही होता है ना। तो उसके बेस पर हम क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर इसको बुलवा लेगा और पूछेगा कि ये इक्वेशन किसकी है, सर्कल की है, एलिप्स की है, पैराबोला की है, ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात है देखो अगर पूरे सेक्शन मुश्किल लगता है कोई बात नहीं, अगर हम सबकी इक्वेशन याद कर लें कि भाई हाइपरबोला की क्या इक्वेशन होती है, एलिप्स की होती है, और कहां टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, वो वाला पार्ट कर लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जो बाकी से रिलेटेड क्वेश्चन थे उसमें कम से कम अटके हैं। ठीक है, पूरी सेक्शन मुश्किल लगता है कोई बात नहीं, बट उसकी वजह से बाकी क्वेश्चन अटके, तो उतना जरूर करना है, बेर बेर जरूर
क्वेश्चन काटने, तो वो जरूर रखना। उसके बाद अगर मैं स्ट्रेट लाइंस की बात करूं, स्ट्रेट लाइंस और सर्कल्स, तो स्ट्रेट लाइन और सर्कल के ही क्वेश्चन जो है मेजॉरिटी पूछता है, ठीक है। तो जो स्ट्रेट लाइन सर्कल के क्वेश्चन है, अगर इसके अंदर हम टेंजेंट वाले पार्ट, अगर सर्कल की बात करूं, तो सर्कल की इक्वेशन बनाना कि अगर एक पॉइंट गिवन है और हमारे को रेडियस का जो है क्वाड्रेंट पता है, तो अगर उससे मुझे सर्कल की इक्वेशन बतानी हो तो मैं कैसे बता पाऊंगा। तीन पॉइंट गिवन है, सेंटर एंटर कुछ गिवन है, उससे मुझे सर्कल की इक्वेशन कैसे बतानी हो तो मैं कैसे बता पाऊंगा। तो ये इंपॉर्टेंट है सर्कल के अंदर। और सर्कल के अंदर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, ठीक है, सर्कल की जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है, अगर उसके अंदर जो सी होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर सर्कल के अंदर कर लूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि सर्कल हम काफी हद तक क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इजी टॉपिक है, उसमें कुछ खास करना है नहीं, इक्वेशन पता करनी है कि भाई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, स्लोप पॉइंट फॉर्म, ठीक है, स्लोप नॉर्मल फॉर्म, जितने भी हमारे पास है टू पॉइंट फॉर्म, वो सारी हमें पढ़ लेनी है, इजी टॉपिक है, इजी टू कैच, ठीक है। उसके बाद अगर मैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं, तो मेजॉरिटी अगर मैं देखूं तो अपना मेजॉरिटी सेक्शन यहाँ कवर हो चुका है। हाँ, वेक्टर, वेक्टर आसान टॉपिक है, वेक्टर के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं ज्यादा मुश्किल नहीं आएंगे, मतलब यूँ समझ लो कि अगर आएंगे तो प्रोजेक्शन निकालने के आ सकते हैं, ठीक है, कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, तो बी वेक्टर का ए पे क्या प्रोजेक्शन होगा, प्रोजेक्शन पूछ सकता है, एंगल पूछ सकता है दोनों वेक्टर के बीच में, वहाँ पे हमारा डॉट प्रोडक्ट लग रहा होगा, ठीक है, या फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। एक टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि अगर मैं सिर्फ फिजिक्स की बात करूँ, क्योंकि अब साइंस के स्टूडेंट हैं तो मैं फिजिक्स के कुछ फॉर्मूले बताऊंगे, जैसे कि एफ डॉट डी एस या गर्ल का फॉर्मूला है, तो क्वेश्चन में तुम्हें क्वेश्चन पढ़ते हैं फिजिक्स का क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन मैथ का होगा, तो वैसे वाले क्वेश्चन भी जो है एक बार देख लेना, नजर मार लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी उनको कर लेना, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर हम इतना भी कर लेते हैं तो हम काफी अच्छा स्कोर कर पाएंगे, अपने जो नीट का पेपर है, आईपीओ का पेपर है, काफी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करना, जितना पढ़ा है उतना अच्छे से कर लो, ठीक है, कॉन्फिडेंस रखो अपने पे कि तुमने सही पढ़ा है, तुमने अच्छा पढ़ा है, तुमने प्रैक्टिस करी है, ठीक है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। मिलते हैं आईपीओ के पेपर के बाद, तब तक के लिए दोस्तों।